तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब कि एक्सेल में आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 20 हमने टाइप किया और यहाँ पे हमने 10 टाइप किया, तो हम इसको जो है सेलेक्ट करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हमारा 30 आपको रिजल्ट आ जाएगा। या दूसरा तरीका है कि हम सम का फॉर्मूला लगाएं और हम इसको सिलेक्ट कर लें तो रिजल्ट हमारा 30 होगा। अब बोलेंगे सीधा बेसिक चीज बता रहे हैं, बस आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ये जो आपने यूज किया ये आपका मैथमेटिकल, जो आपने यूज किया ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर आपने यूज किया, और इसको आपने इनबिल्ट फॉर्मूला, एक्सेल की इनबिल्ट फॉर्मूला इस्तेमाल किया। हालांकि दोनों का काम सेम है, इन दोनों का काम हमारा सेम है, राइट सर? लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है? देखिए, इनबिल्ट फॉर्मूला जो सम हो गया, मैक्स मिन ऐसे जो फॉर्मूले हैं, उसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है? उसकी एक लिमिटेशन है, बात समझे जी? लेकिन इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ग्रोथ निकालना है कि मेरा क्वार्टर वन और क्वार्टर टू का सेल है, क्वार्टर टू का 20 है, यानी क्वार्टर वन 20 है, यानी यहाँ पे 30 है, मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, या है भी तो जो मुझे चाहिए उस पैटर्न पे नहीं। ये देखिए पैटर्न है, अब एक ग्रोथ मेरे पैटर्न पर नहीं, क्योंकि मेरा पैटर्न क्या है? मेरा पैटर्न ये है कि मेरी मैथमेटिकल फॉर्मूला कहती है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट इज द ग्रोथ, मतलब कि क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन जो रिजल्ट आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे क्वार्टर वन से, समझे? जी। अब इसके लिए जो ग्रोथ का फॉर्मूला एक्स में दिया है वो कुछ और में कुछ एक ये जो है कुछ और चीज को पैटर्न ये करता है, फॉलो करता है, दिख रहा है सर? ये मंथली देखता है फिर ग्रोथ निकालता है, कितना कई सारे मंथ का एक साथ कंपेयर करता है। यहां पे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर देंगे यहाँ पे कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट। अब रिजल्ट, अब ये कैलकुलेशन आपको सही लग रहा है पर रिजल्ट गलत आएगा। किसी भी कैलकुलेशन में बोर्ड मास मेथड का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। बोर्ड मास मेथड का यूज नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपका गलत आएगा। ये देखिए हमारा 50% का ग्रोथ हुआ है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड को लिखना पड़ेगा सर, हाँ, एंड पावर। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसका यूज हम करते हैं। सर द पावर में कंफ्यूज होते होंगे, पावर मतलब कि जब स्क्वायर निकालते हैं 10^2 100 आएगा। इसने क्या किया? इसने किया 10 × 10 क्योंकि स्क्वायर था, अगर क्यूब करने के लिए तो 10 × 10 करेगा। ये पावर से काम करता है। हालांकि पावर का खुद का फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूले हर तरह के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले अवेलेबल हो ये गारंटी नहीं है ना सर? क्या जी? सर
चलिए कुछ और कैलकुलेशन का हम सैंपल देते हैं। मुझे यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट कैलकुलेट करना है, जैसे कि मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास रेट है, मेरे पास टाइम है और मुझे इस पे अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए प्रिंसिपल इज द 50,000, रेट इज द 10%, टाइम 2 ईयर, नंबर 2 ईयर नहीं थोड़ा सा लंबा रहा है तो 4 ईयर का है, अमाउंट क्या होगा। हालांकि इसके लिए हमारे पास एफवी का फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारे लोग इस एक्सेल की जो इनबिल्ट फॉर्मूला है, सॉरी, उसकी कैलकुलेशन मेथड पे बिलीव नहीं करते हैं, उसकी कैलकुलेशन मेथड पे बिलीव नहीं करते, तो वो खुद के कैलकुलेशन करना चाहेंगे, राइट? तो खुद की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? तो एक्सेल में अगर हम बात करें, ए मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 1 + r/12, मतलब कि n, r/n पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसको अप्लाई करेंगे। अब यहां पे एक छोटी सी बात और भी है, तो ये कैलकुलेशन लंबी है तो कहीं दिक्कत हो सकता है, इसमें हम आपको एक फॉर्मूला मर्जिंग मेथड भी समझाएंगे। तो इसको हम 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे। तो पहले r/n, आर क्या, एन क्या है, एन नंबर ऑफ टाइम है, ताकि एक कितने पीरियड में आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में कितने दिनों में कैलकुलेट होगा, जो बोलते हैं ऐड होगा, तो महीना 12 है, इसलिए 12, फिर 1 + इसको कर दिया, तो 1 + r इक्वल करने से भूल गया था, 1 + r/n हो गया। उसके बाद फिर टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे वापस 12 से, फिर इन दोनों को हम पावर में लेंगे एंड द लास्ट इसको हम पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर, हेलो, क्लियर है सर? डाउट नहीं है? नहीं नहीं, नो सर। अब इसमें कैलकुलेशन तो हमारी हो गई, अब इसको जो है हमें ऐसा करना है कि एक सेल में आए, क्योंकि एक कैलकुलेशन तो कई सारे सेल्स में हुई है, ठीक है सर? अब इसको हमें एक सेल में दिखाना है, एक सेल में दिखाना है, ताकि ये एक सेल में मौजूद हो जाए। अब यहां पे कैसे होगा, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ C17 के ऊपर हमने पेस्ट कर, आ गया 1 + अब वापस हम इसको कॉपी करेंगे, इक्वल कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है? एस्केप से बाहर आया और यहाँ देखिए क्या है कि यह है आपका D17, तो D17 को हम डिलीट करेंगे और D17 के जगह पे हम D17 का फॉर्मूला डाल देंगे। फिर यहां हम यहां पे E17 को कॉपी करेंगे और E17 के ऊपर हम फॉर्मूला डाल देंगे ब्रैकेट, ठीक है सर? और फिर वापस इस पूरे कैलकुलेशन को उठाएंगे और फिर जो फाइनल रिजल्ट हमारा है यहाँ पे F17 में, इसको ब्रैकेट में पेस्ट कर देंगे,
फिर यहां से इसको कट करते हैं, कॉपी नहीं करेंगे, कट करेंगे और जहां ले जाना है वहां ले जा सकते हैं। तो अब देखिए ये फॉर्मूला, हो सकता है कहीं पे ब्रैकेट छूट जाता क्या, आगे से भी आपके पास जब बड़े बड़े फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे तो बड़े बड़े फॉर्मूले में क्या होगा, बड़े बड़े फॉर्मूले में दिक्कत ये होगी कि जब बड़े बड़े फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि तीन चार फॉर्मूले को एक साथ मर्ज करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आप ऐसे ही उसको अलग अलग सेपरेट करके लगाएंगे, फाइनल कैलकुलेशन को फिट करेंगे और फिर उसको एक में डाल देंगे, ओके जी सर, और रिजल्ट आपके सामने। तो अभी आप क्या कीजिए कि मुझे 8-10 मैथमेटिकल फॉर्मूले का कैलकुलेशन करके भेजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी तरह की कैलकुलेशन करनी हुई और आपके पास एक्सेल में उस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है और लेकिन उसकी मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको पता है, उसकी मैथमेटिकल कंसेप्ट पता है आपको, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी सर, करता हूँ उसको कर लीजिए।